अरब सागर से आ रहा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 12 घंटे में और तीव्र हो सकता है। उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों और दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है। बिपरजॉय मुसीबत नहीं, महामुसीबत है। दोस्तों, क्यों आया है बिपरजॉय और चक्रवात होते क्या है, यही देखेंगे इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द जाम। तो चले आज के कुछ ही मिनटों में ज्ञान लेंगे चक्रवात तूफानों का, जैसे कि साइक्लोन्स का। जी हाँ, तो चलो आपको एक सिनेरियो बताऊँ। फॉर इंस्टेंस, दो एयर मासेस मतलब ठंडी और गर्म हवाएं विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। तो इसका परिणाम ये बनता है दोस्तों कि गर्म हवा को ऊपर ढकेला जाता है और ठंड हवा को नीचे। इससे ऊपरी हिस्से में हाई प्रेशर एरिया बनता है और ये दोनों तरफ से साइक्लोन की निर्मित करते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो चलो जानते हैं कि चक्रवात का मतलब क्या है आसानी भाषा में। दोस्तों, जब समंदर के ऊपर की हवा गर्म होती है तभी वो ऊपर उठने लगती है और नीचे एक गैप क्रिएट हो जाता है और इसी गैप की जगह कूल एयर लेने लगती है और ज्यादा कूल एयर जमा होने से ऊपर की तरफ हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है और यही से साइक्लोन फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम साइक्लोन कहेंगे दोस्तों। जब साइक्लोन फॉर्मेशन होता है तभी उसके बीच के हिस्से को द आई ऑफ साइक्लोन कहा जाता है, जो कि एक लो प्रेशर एरिया होता है। दोस्तों, मजेदार बात तो इनके नामकरण को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले साइक्लोन्स का नाम आप भी बता सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2004 में 8 कंट्रीज ने अपने 8 नेम्स पहले ही दे दिए थे फॉर अपकमिंग 8 साइक्लोन्स इन द इंडियन ओशन रीजन। तो अब तक के लिए इन्हीं साइक्लोन्स का यूज होता था। 2019 में इन्हीं का टाइम खत्म हो गया। अभी टोटल 13 कंट्रीज ने 13 नाम दिए हुए हैं जो कि करीबन 20 साल तक चलेंगे। दोस्तों, चक्रवात के बाद का मंजर बहुत खतरनाक होता है। अपने सामने आने वाली हर चीज को वो तबाह कर देता है। दोस्तों, तभी आपने कोस्टल रीजन्स के इस दृश्य को तो देखा ही होगा। वही जैसे ही साइक्लोन्स के मॉइस्चर से कनेक्शन कम होने लगता है वैसे ही इनकी गति धीमी होने लगती है और ये ख़त्म हो जाते हैं। दोस्तों, ये आने वाले मानसून के बादलों का भी रुख बदल देते हैं। तभी अभी आने वाले मानसून रेन्स डिले का रीज़न अभी आए हुए बिपरजॉय चक्रवात को बताया जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की वीडियो में ज्ञान का डोज बस इतना ही लेते हैं और मिलते हैं अगली ज्ञान से भरी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।